और आप देखेंगे जल्दी जल्दी खबरें। मूसलाधार बारिश से सोमवार की सुबह मुगलसराय रेलवे यार्ड में भारी जलभराव हो गया। रेलवे ट्रैक में पानी भरने के कारण सिग्नल फेल हो गए और दर्जन भर ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। इससे यात्रियों को काफी फजीहत हुई। लगभग पौने दो घंटा बाद बरसात कम होने पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। सिग्नल फेल होने के बाद अप व डाउन की ट्रेनों को मुगलसराय स्टेशन व आउटर के अलावा जीवनाथपुर, कुचमन आदि स्टेशनों पर रोकना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से एक हफ्ते में दो बार ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ चुका है। सिग्नल फेल होने से बीते 26 जुलाई को भी 3.5 घंटे तक ट्रेनों की रफ्तार रुक गई थी। बारिश से निपटने के लिए रेल प्रशासन के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग की। मायावती ने संसद भवन में संवाददाताओं से कहा कि बुलंदशहर की दुष्कर्म की घटना से ये साबित हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा, इस घटना से साफ जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगलराज चल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस जघन्य घटना की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में ही संभाला जा रहा तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये मेरी सलाह है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुए गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों को इस घटना का खुलासा करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अखिलेश के सख्त तेवर के चलते अब तक एसएसपी और इंस्पेक्टर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि अभी और कई अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव दीपक सिंघल को तलब किया और प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा और पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद को फौरन घटनास्थल पर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई न होने की स्थिति में पुलिस विभाग में उच्चतम स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में फिर से जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दोबारा जांच की मांग वाली याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दायर की थी। अपनी याचिका में हर्ष मंदर बम्बई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बम्बई हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह को क्लीन चिट दी थी। अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर में घुसने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। वह रविवार दोपहर को घर की 4 दीवारी फांद कर घुसा था। गिरफ्तार आरोपी बुलेट बनवारी लाल यादव बिहार का रहने वाला है। खुद को गायक बताने वाला बनवारी अमिताभ बच्चन को अपना गाना सुनाना चाहता था। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि ये शख्स पास जाकर उन्हें गाना सुनाना चाहता था। गौरतलब है कि अमिताभ के मुंबई में 2 घर हैं, प्रतीक्षा और जलसा। एक में अभिषेक ऐश्वर्या रहते हैं और दूसरे में अमिताभ और जया। मुंबई में जगह की कमी है, इसलिए बहुत सारे घरों के दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। ऐसे में प्रशंसक अक्सर उनके गेट के बाहर उन्हें एक नज़र देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब भी अमिताभ घर पर होते हैं तो वे बाहर निकलकर उनका अभिवादन भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा, उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव को बंगले मिले हुए थे। अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। ये सभी बंगले लखनऊ में हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जाएंगे। 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ये आदेश रद्द किए जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है। 3 दिन पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर डीएमके सांसद को थप्पड़ जड़ने वाली राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पक को जयललिता ने एआईएडीएमके से बाहर कर दिया। पार्टी महासचिव जयललिता ने कहा कि शशिकला को एआईएडीएमके की छवि खराब करने के चलते पार्टी से निकाला गया। शशिकला पुष्पा पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा को सरेआम 4 थप्पड़ मार दिए थे।
बताया जा रहा है कि डीएमके सांसद ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था, जिसके बाद शशिकला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। सोमवार को शशिकला ने ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया। उन्होंने कहा, मेरी जान को खतरा है, मुझे संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। राज्यसभा में सोमवार को सऊदी अरब में भूख प्यास से बेहाल भारतीय कामगारों का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीयों को लाने के लिए कल वीके सिंह सऊदी अरब जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीयों को लेकर नियमों में ढील देने के लिए सऊदी अरब के विदेश और श्रम मंत्रालय से भी बात की गई है। उन्होंने बताया कि वहां भारतीयों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के आमिर खान पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ। पर्रिकर ने कहा कि सदन के सदस्यों को पहले वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद वे इसे कुछ तय करें। कांग्रेसी सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पर्रिकर का बयान देश के अल्पसंख्यकों के लिए धमकी से कम नहीं है। मायावती ने इस मामले पर सदन में पीएम मोदी के बयान की अपील की। बार बार परमाणु अप्रसार संधि की दुहाई देने वाले चीन ने खुद ही इसका उल्लंघन किया है। चीन ने 2010 में एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस में रखे प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स उपलब्ध कराए हैं। एक ताजा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि चीन ने एनपीटी का उल्लंघन किया है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों के तहत नहीं आता, इसलिए उसे परमाणु रिएक्टर्स देना एनपीटी के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। ये याद रखना जरूरी है कि चीन ने एनटीपी का हवाला देकर ही एनएसजी में शामिल होने का भारत का रास्ता रोका था। चीन ने कहा, गैर एनपीटी देश को एनएसजी में शामिल करने से परमाणु अप्रसार के प्रयासों को धक्का पहुँचेगा।